Welcome to my class, students. We are doing the poem Rain on the Roof, and this is the question answer of this chapter. Let's start. Page number 42, thinking about the poem. What do the following phrases mean to you? Discuss in class. Humid shadow. It refers to the dark cloud that produce rain. क्योंकि humid माने गीला wet shadow क्योंकि काली चीज को shadow हम बोलते हैं परछाई. तो यहाँ पर humid shadow क्या है? काले बादल जो बूंदों से भरे हुए. Starry is fierce. It refers to the night sky abounding in stars. तो fierce माने जगह, starry माने तारों भरी. तो क्या हो गया? sky हो गया, night का sky. लेकिन वहां भी क्या है? काले बादल है. What a bliss. That is, it refers to the happiness of the poet. When it rains, poet gets into his cottage and enjoy the patter of the rain upon the रूफ. तो क्या हैप्पीनेस है पोएट की? जब बारिश होती है तो अपने कॉटेज में जाते हैं और रेन ड्रॉप्स जो उनके रूफ पे गिर रहा है उसको एंजॉय करते हैं. अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार. दिस रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज्ड इन हिज माइंड. तो जब वो बारिश की आवाज सुनते हैं तो बहुत सारे उनके जो इमेजिनरी थॉट्स होते हैं वो उनके दिमाग में आ जाते हैं. बहुत सारी फैंटेसीज आ जाती हैं. वो अपने अर्ली बॉयहुड में पहुंच जाते हैं. अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू उफ. दिस फ्रेज मीन द न्यूमरस मेमोरीज इंटरमिंगल टू फॉर्म अ ब्यूटिफुल पिक्चर दैट द पोएट रिकलेक्ट्स. कि जो इतने सारे न्यूमरस मेमोरीज आते हैं उस समय, थाउजेंड मेमोरीज आते हैं, वो मिलके एक बहुत प्यारी सी पिक्चर बनती है. और सबसे क्लियर पिक्चर क्या होती है? उनकी माँ की. व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. तो पोएट क्या करना चाहते हैं जब रेन होता है? व्हेन इट रेन्स द पोएट फील्स डिलाइटेड टू लाई विद हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चेंबर बेड एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन. तो पोएट को क्या अच्छा लगता है? कि वो अपना पिलो पर अपना सिर रखकर वो अपने कॉटेज चैम्बर में बेड पर कॉटेज में चैम्बर बेड पर आराम से लेट जाते हैं और बारिश की आवाज सुनते हैं. व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? तो द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट इज दैट ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक. The darling dreamers are the poet and his siblings in their childhood when they were lovingly put to sleep by their mother. तो माँ आती है, बच्चों को देखती है, वो darling dreamers है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, dream देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं. तो बच्चों को इस तरह से darling dreamers के रूप में कवि ने कहा है. Is the poet now a child? Is his mother still alive? No, the poet is not a child now. He is a grown-up man. He remembers her when he is inside his cozy cottage and enjoy the pattern of rain on the roof. लेकिन नहीं, poet अभी बड़े हो गए हैं और वो माँ को याद करते हैं जब वो अपने cozy बहुत आरामदायक घर में बेड के ऊपर तकिए पर सिर रख के बारिश की आवाज को सुनते हैं. When you were young child, did your mother tuck you in as a poet state? जब आप छोटे बच्चे थे, क्या आपकी मम्मा ने आपको ऐसे ही किया था, बिस्तर पे सुलाया था, टक इन किया था? Yes, my mother used to tuck me in when I was a young child, just like the poet's mother did. कि हाँ, जब मैं भी छोटी थी तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी. बारिश हो रही होती थी तो ऐसे हम सबकी मम्मियाँ करती हैं, तो जैसे पोइट की मम्मी करती हैं. Do you like rain? क्या आपको बारिश पसंद है? What do you do when it rains steadily or heavily? I describe in the poem. Yes, I like the rain. When it rains steadily or heavily, I stay in my house and enjoy the weather with family. जब बारिश होती है, अभी कितनी बारिश हुई आपको पता है, तो हम लोग क्या करते हैं? घर पे रहते हैं और enjoy करते हैं weather को family के साथ. We enjoy tea and bhajia. It is a wonderful experience. हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं, bhajia खाते हैं और बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है. डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? क्या हर एक के पास बहुत आरामदायक बिस्तर रहता है जब बारिश होती है? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम सीक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन. तो अपने आसपास देखो
कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं, लोग रहते हैं, वो अपना समय बिताते हैं और घर ढूंढते हैं जब बारिश में वो होते हैं, उनके पास घर नहीं होते. नो, एवरीबॉडी इज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स. हाँ, हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता कि वो सो सके बेड पर जब बारिश हो रही होती है. नॉट एवरीबॉडी गेट्स टू एंजॉय द कंफर्ट ऑफ कोजी होम ड्यूरिंग रेन. ना ही हर किसी के पास इतना अच्छा घर होता है, कंफर्ट बेड होता है कि वो आराम से कभी की तरह बारिश की आवाज सुनते हुए बारिश का आनंद ले सके. आई हैव सीन एनिमल्स सीकिंग शेल्टर अंडर ट्रीज. मैंने देखा है एनिमल्स जो ट्रीज के नीचे खड़े होते हैं, एंड अंडर द टिन रूफ्स ऑफ द स्मॉल रोड साइड टी स्टॉल्स. और जो रोड साइड में जो चाय की दुकानें होती है उसके टिन शेड में वो खड़े होना चाहते हैं. द पीपल पासिंग बाय शू अवे देम. लेकिन जो लोग होते हैं वो उनको हटा देते हैं वहां से, एंड ट्राई टू श्रिंक देमसेल्फ अंडर द लिमिटेड स्पेस ऑफ दीज शॉप. और वो जो लिमिटेड स्पेस होता है वो छोटी छोटी दुकानों में, चाय की दुकानों में, वहां वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और जो जानवर होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं. द पुअर एनिमल्स आर लेफ्ट शिवरिंग एंड ड्रेंचिंग ऑन द रोड. तो ये जो है पूरे भीगे हुए रहते हैं, कांपते रहते हैं, अपर रोड पर रहते हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं है. जहाँ शेल्टर थी वहां लोग खड़े हो गए हैं. द शॉपकीपर्स आर सच स्टॉल्स डिलाइटेड. जो शॉपकीपर्स होते बड़े खुश होते हैं कि लोग आए हैं उनके यहाँ चाय पीने. एज द पीपल वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड ऑफन एंड अप बाइंग टी एंड स्नैक्स. क्योंकि जो लोग बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं वो चाय की दुकान में क्या करते हैं, चाय पीने लगते हैं या कुछ स्नैक्स लेने लगते हैं. तो वो जो बच्चे, वो जो लोग हैं वो इस तरह से बारिश के रुकने का इंतजार करते, तो टी स्टॉल वाले भी बड़े खुश होते हैं. जानवरों के प्रति उनमें कोई सद्भावना नहीं रह पाती. दे आर होमलेस पीपल टू. जानवर तो ठीक है और भी होमलेस लोग भी होते हैं. वो लिव अ पैथेटिक लाइफ ड्यूरिंग रेनी सीजन. जो कि रेनी सीजन में बहुत ही कष्टदायी जीवन जीते हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह. उनके पास भी कुछ नहीं होता, वो फुटपाथ पर, सड़क पर ऐसे ही भीगते रहते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं कोल्ड के कारण, क्योंकि उनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती और बारिश के बाद उनको बुखार हो जाता है एंड दे डाई. तो वो होमलेस लोग रहते हैं, उनकी भी यही हालत होती है. तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि आप घर में बहुत आरामदायक स्थिति में रहते हो, तो इसका मतलब नहीं है कि बारिश हर एक के लिए बहुत ही सुहावना मौसम है. बारिश में बहुत सारे ऐसे हैं, आसपास नजर घुमाकर देखिए, जिनके पास शेल्टर नहीं है. शेल्टर नहीं है, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, वो भूखे रहते हैं, उनके पास कपड़े गीले हो जाते हैं, उन्हीं कपड़ों में वो रहते हैं. और इससे क्या होता है, जिस तरह से जानवर अपने आप को बारिश से बचा नहीं पाते, तकलीफ पाते हैं, उसे तो होमलेस पीपल भी यही होता है. तो आपको पता है होमलेस जो शेल्टर बनाए जाते हैं जाड़े में बचने के लिए, बारिश में बचने के लिए, तो इन जानवरों और इन लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो मौसम जो इतना एडवर्स हो जाता है, इतना हार्श हो जाता है, उस समय वो अपने आप को बचा के रख सके. तो क्वेश्चन का आंसर यही है. यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर डाली है, ये एक कुत्ता है, इसको शू करके निकाल दिया गया है और वो भीग रहा है, कोई नहीं है इसके पास क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है. और ये देखो होमलेस पीपल है, वो क्या है लोग, वो सब सामान जितना भी उनके पास है वो लेकर, थोड़ा बहुत जो सामान है वो इधर उधर दर बदर घूमते रहते हैं. खूब तेज बारिश हो रही है, किसी का प्लास्टिक है ढकने के लिए तो किसी का कुछ है, और वो उनके पास रहने को जगह नहीं है. तो होमलेस पीपल एंड द एनिमल, बेसिकली सिर्फ कुत्ता ही क्यों, बिल्ली होती है और भी कई जानवर होते हैं जो बारिश में इसी तरह, और पक्षी, बहुत सारे पक्षी होते हैं. और पक्षी तो फिर वो जब तार पे इलेक्ट्रिसिटी का करंट आ जाता है तो वो मर भी जाते हैं बारिश के कारण, बहुत बार ऐसी दुर्घटना होती है. तो इस तरह से, और बहुत सारे जानवर फ्लड में बह भी जाते हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं होता, जिस तरह से लोग बह जाते हैं. तो बारिश सिर्फ उन्हीं के लिए बहुत ही सुहावना है जिनके पास बहुत कंफर्टेबल बेड है, बहुत प्यारा सा घर है, चाय है, भजिया है, माँ है, फैमिली है, उनके लिए बारिश
बहुत सुहावना है, क्योंकि वो दूर से बारिश को देख रहे हैं, वो जा बारिश को जाके उसके उसके जो हार्शनेस को उनको झेलना नहीं पड़ रहा है। क्रिटिकल एनालिसिस, द पोएम इज ऑफ 7 स्टैंजर्स। एक्चुअल में ये पोएम 7 स्टैंजर की है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 3 स्टैंजर है। पोएटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिटरेशन, कैसे बोला, डार्कनेस, डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया, ऐसा लग रहा है कि वीप कर रही है, रो रही है बारिश के रूप में। एलिटरेशन, बहुत सारा रिपीटेटिव लाइन है, जैसे आई एल साउंड इज रिपीटेड इन द लाइन, लाई लिसनिंग, देखो एल एल साउंड, आर इज रिपीटेड ऑफ द रेन अपॉन ऑन द रूफ, देखो आर एंड आर, राइट। द राइम स्कीम ऑफ द 7 स्टैंजा ऑक्टेव, 8 लाइन है हर स्टैंजा में। राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ जी। जब आप पूरी जो 7 स्टैंजा है और जो हर स्टैंजा में 8 लाइन है, उनकी राइम स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ जी। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट दो द डार्कनेस मॉन्स द मेलंकोलिक स्पिरिट ऑफ इनडिस्क्राइबेबल सैडनेस, द सॉफ्ट रेन सेट्स इन टू कंपनसेट इट विद द स्पिरिट ऑफ पीस फॉर द लोनली नाइट एट हैंड। मतलब कि हालांकि जो डार्कनेस है वो बहुत दुखी करती है, और मेलंकोलिक स्पिरिट ऑफ इनडिस्क्राइब सैडनेस, और एक ऐसे सैडनेस को लाती है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते। डार्कनेस मॉन्स द मेलंकोलिक स्पिरिट ऑफ इनडिस्क्राइबल सैडनेस, एक ऐसे सैडनेस को जो कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए वो दुखी होती है। लेकिन ऐसे में जो सॉफ्ट रेन है वो कंपेंसेट करती है उस स्पिरिट को, जो हमारा हमारी जो सोल है, मेलंकोलिक सोल है, उस सोल को वो क्या करती है, स्पिरिट ऑफ पीस में बदल देती है, हमारा हमारा मूड चेंज कर देती है जब रेन होती है। और लोनली नाइट में भी हम लोनली नहीं रहते, क्योंकि वो बारिश की आवाज हम सुनते रहते हैं। किनी सडनली रियलाइजेस हाउ मच जॉय एंड प्लेजर ऑफ स्लीप ही कैन अटेंड। किनली को अचानक से रियलाइज होता है कि कितना अच्छे से वो सो सकते हैं, कितना उनको जॉय मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, जब वो आवाज सुनते हुए वो सो रहे हैं, और जब उनका जो हेड है वो पिलो के अगेंस्ट प्रेस सो रहा है, टू कंक्लूड द लॉन्ग डे इनटू अ गुड नाइट्स रेस्ट। और उनका जो सारा दिन, पूरा दिन जो है वो गुड नाइट में बदल रहा है, गुड नाइट रेस्ट में बदल रहा है, बहुत अच्छी उनको नींद आने वाली है। ही कैन स्लीप साउंडली लाइक अ लिटिल चाइल्ड इन हिज कॉटेज बेडरूम, वो एक छोटे बच्चे की तरह वो सो जाते हैं अपने कॉटेज बेडरूम में। एंड लिसन टू द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट समर शावर्स ओवरहेड ऑन द रूफ, और उस बारिश की आवाज को जो कि उनके ओवरहेड में आ रही है, उनके रूफ पर है, तो उनके सिर के ऊपर जो आवाज आ रही है, सॉफ्टली वो आवाज उनको सुनाई पड़ रही है, उसी को सुनते सुनते वो छोटे से बच्चे की तरह सो जाते हैं। तो दिस इज द आंसर। सो व्हाट हैव वी लर्नड, वी हैव लर्नड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। इन द नेक्स्ट वे, इन द नेक्स्ट क्लास, आई शैल बी हियर विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।